ब्रेकिंग न्यूज मथुरा महाराजा ग्रुप चेयरमैन प्रीतम सिंह जी ने 1000 राहत सामग्री पैकेट वितरण को दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पूर्व प्रमुख प्रीतम सिंह जी द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के अंतर्गत चल रहे लॉकडाउन में गरीब असहाय लाचार और ऐसे लोग जिनके रोजगार छूट गए हैं ऐसे लोगों को संपूर्ण मथुरा जिले में राशन वितरण किया जा रहा है। इसी पहल को जारी रखते हुए महाराजा ग्रुप के चेयरमैन प्रीतम सिंह जी द्वारा 1000 राशन सामग्री के पैकेट वितरण करने के लिए नगर पंचायत सौंप को 500 पैकेट और 500 पैकेट क्षेत्र के आसपास के गांव में वितरण को दिए गए। कस्बा सौंप चेयरमैन भरत सिंह जी ने बताया है कि सौंप नगर पंचायत दी गई राशन सामग्री के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। महाराजा ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने बताया हमारे महाराजा ग्रुप के चेयरमैन साहब प्रीतम सिंह जी ने संकल्प लिया है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत किसी भी गरीब असहाय मजदूर व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे और जहां भी हमें सूचना मिलेगी हम लगातार राशन वितरण सेवा जारी रखेंगे। आज जो नगर पंचायत को आपने जो खाद्य सामग्री बांटी गई है उसके बारे में थोड़ा हमें अवगत कराएं। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है जब से महाराजा ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रीतम सिंह प्रमुख जी ने संकल्प किया और मथुरा जिले में मथुरा शहर में खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजिंग कराने का भी कार्य जारी है। नगर पंचायत सौंप की तरफ से खाद्य सामग्री की मांग की गई थी, इसलिए महाराजा ग्रुप के चेयरमैन प्रीतम सिंह प्रमुख जी ने 500 से 1000 पैकेट गरीब असहाय मजदूरों को वितरण कराने के लिए दिए गए। जो सामान दिया गया है उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। लॉकडाउन की स्थिति के चलते हुए तमाम गरीब असहाय मजदूर जिनका काम छूट गया है वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे महाराजा ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रीतम सिंह जी पूर्व प्रमुख उनकी तरफ से पूरे जिले में राहत सामग्री बांटी जा रही है, तो मैंने भी अपनी नगर पंचायत की ओर से उनसे आग्रह किया और अपने यहाँ पर जो गरीब मजदूर किसान लोग जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है उनके लिए राहत सामग्री बांटने के लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर लगभग 500 पैकेट उन्होंने बांटने के लिए भेजे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे नगरवासियों की गरीब और मजदूर लोगों की आवाज़ को सुना और